जंप ऑन टू द क्लास. आई जस्ट वॉन्टेड टू टॉक अबाउट द सिलेबस दैट्स बीन देयर, राइट? तो कुछ टाइम सिलेबस की बात करते हैं और उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक जो है आज का वो शुरू करेंगे, ठीक है? अभी आप सबको अपना सिलेबस तो ऑब्वियसली पता ही होगा, बट देन अगेन इट इज माई ड्यूटी कि हम लोग क्लास शुरू करने से पहले बात करें सिलेबस की, आपको पता हो कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें जो ग्रामर का सिलेबस है वो इस तरीके से गिवन है, ठीक है? पार्ट वन इज इंग्लिश ग्रामर, दैट इज देयर, और पार्ट टू जो है दैट इज वोकैबुलरी सेक्शन, ठीक है? हम लोग सी एस एम अकेडमी में बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से पढ़ेंगे, और अभी तक जो मैंने बैचेस लिए हैं उसमें मैं किस तरीके से पढ़ा रही थी, ठीक है? ये हम इसलिए बात कर रहे हैं सो दैट देखो आप लोग यू ऑल गाइज आर न्यू टू द क्लास, ठीक है? तो हो सकता है मेरा टीचिंग स्टाइल आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो, बट डेफिनेटली बहुत फ्रेंडली होगा, ठीक है? दूसरी चीज बहुत इजी होगा, ठीक है? तो जो भी ग्रामर के हम रूल्स पढ़ेंगे, पहले मुझे ये बताओ सबको स्क्रीन विजिबल है? इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल? प्लीज रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन, येस और नो करके रिप्लाई करो, एंड प्लीज बी पार्टिसिपेटिव इन द क्लास. अगर मैं कुछ पूछ रही हूँ तो आप लोग प्लीज कोशिश करें कि मैसेज करके जवाब दें, ठीक है? सो दैट आई नो कि आप लोग सुन रहे हो, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है, ठीक है? ओके, सो आई गॉट दिस टू बिग येस, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग. ओके, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे कि डेफिनेटली बहुत फ्रेंडली क्लासेस होंगी, ठीक है? यू डोंट हैव टू वरी कि यार डाउट पूछूंगा तो मैम क्या सोचेंगे या अदर स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. यू कैन डायरेक्टली कॉल मी एनी टाइम, लाइक ऑब्वियसली बिटवीन दी वर्किंग आवर्स आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है? आई एम एडेड इन द व्हाट्सएप ग्रुप, यू कैन टेक माई नंबर फ्रॉम देयर फॉर एनी डाउट्स, ठीक है? तो आई विल बी अवेलेबल फॉर योर डाउट, ठीक है? तो डाउट सेशंस आपके होते रहेंगे क्लासेस के साथ साथ भी, बट देन यस आपको अगर कभी वैसे भी डाउट है तो आप डेफिनेटली मुझसे बात कर सकते हो. इजी होंगी, इजी कैसे होंगी? जो भी रूल्स हैं आज जब हम चैप्टर शुरू करेंगे आर्टिकल्स, ठीक है? तो आप लोग देखोगे कि कितना इजी तरीके से इस चैप्टर के रूल्स को मैंने पीपीटी की फॉर्म में क्या किया हुआ है, बनाया हुआ है नोट्स, ठीक है? सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू रिमेम्बर, ठीक है? और दूसरा रिवाइज करना, ठीक है? ये इजी हो जाएगा आपके लिए. दूसरी चीज जो मैं आपके साथ बात करना चाहूंगी वो ये होगा कि आप लोगों को इंग्लिश की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सिंस आई एम हियर. हम लोग अभी तक जो भी बैच मैंने पढ़ाया है उसमें हम लोग क्या अप्रोच फॉलो कर रहे थे, उसमें हम लोग यही अप्रोच फॉलो कर रहे थे कि जो भी हम क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है? सपोज आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा, वॉट एवर टॉपिक आर्टिकल्स हम करेंगे, डेफिनेटली इट इज अ बिग चैप्टर, हम आज तो इसको फिनिश नहीं कर पाएंगे, पर जितना भी हमसे होगा, ठीक है? तो जितना भी ये चैप्टर आज फिनिश होगा, मेरी अप्रोच ये रहती है कि जो आज क्लास वन में पढ़ा है उसको फर्स्ट 10 मिनट्स में हम नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करें, ठीक है? इससे होगा क्या रिविजन से, यहाँ पे जो हम क्लास में रिवाइज करेंगे वॉट विल हैपन विद दिस रिविजन? देखो जो आप लोगों को मैं आज क्लास में पढ़ाऊंगी उसको घर जाके आप लोग डेफिनेटली पढ़ोगे, ठीक है? डेफिनेटली उसको आप घर जाके क्या करोगे, पढ़ोगे, ठीक है? उसके बाद वन टाइम आपने यहाँ पे पढ़ा क्लास में, वन टाइम आप घर पे पढ़ रहे हो, एंड थर्ड टाइम आपको दोबारा मैं यहाँ पे क्लास में 10 मिनट्स के लिए रिवाइज करा रही हूँ. इससे होगा क्या, जो भी हम क्लास में पढ़ रहे हैं उसकी आपकी मल्टीपल रिविजन होंगी, और किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी माइंडेड, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप दे रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट है उसके लिए वन थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट इज मल्टीपल रिविजन. कोई और तरीका ही नहीं है चीजों को याद रखने का और उसको एग्जाम में एज इट इज रिप्रोड्यूस करने का, ठीक है? तो मल्टीपल रिविजन इज दी ओनली की. अब आप उसको APSSB का एग्जाम ले लो, चाहे चाहे अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज का एग्जाम ले लो, चाहे UPSC ले लो, ठीक है? कोई भी एग्जाम, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए डेफिनेटली आपको स्टडी तो करना ही पड़ेगा, पर सिर्फ स्टडी करने से चीजें नहीं होंगी, आपको मल्टीपल रिविजन देनी पड़ेंगी, और उसको हम टेस्ट की फॉर्म में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और टेस्ट आपके वीकली हम लोग लेंगे, ठीक है? सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस टेस्ट.
ये टेस्ट आपके वीकली होंगे और इसमें स्कोर्स की भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सपोज अगर किसी के कम स्कोर हैं टेस्ट 1 में या टेस्ट 2 में या इनिशियल कुछ टेस्ट में, तो डेफिनेटली वी विल वर्क ऑन इंक्रीजिंग योर मार्क्स एज वेल, कि किस तरीके से कम मार्क्स से लो स्कोर से हम हाई स्कोर्स पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, डोंट वरी, आई विल बी पर्सनली पर्सनली मॉनिटरिंग ऑल द टेस्ट ऑफ एवरी वन, ईच वन ऑफ यू, राइट? ठीक है, एम आई नॉट ऑडिबल? Am I not audible? Please let me know. Somebody has texted, press the audio. Am I not audible? Wait, let me see. अभी let me see. अभी audible हूं मैं? अभी ऑडियो का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्लीज जिनको भी मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, एक बार अपने एंड पे आप अपने सिस्टम में जो भी आपका वॉल्यूम बटन्स है उनको थोड़ा सा हाई रखिए, बिकॉज बिकॉज आई हैव बीन गेटिंग दीज मैसेजेस इन द चैट बॉक्स दैट माई वॉइस इज क्वाइट क्लियर एंड लाउड एंड आई एम ऑडिबल। तो जिन लोगों को भी इशू आ रहा है, आप लोग प्लीज एक बार अपने एंड पे जो भी सिस्टम्स आप यूज कर रहे हैं, इफ इट इज योर फोन और लैपटॉप, उसको प्लीज अपने एंड पे आप थोड़ा सा तेज वॉल्यूम कीजिए उसका। ठीक है, आई होप अभी तक हमने ये जो भी बात की है ये सबको क्लियर होगी कि हमारी अप्रोच क्या रहेगी पढ़ने की। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से क्लास में क्या करेंगे, चीजों को रिवाइज करते हुए चलेंगे पहली चीज, उसके बाद रिवाइज करने के बाद हम लोग टेस्ट देंगे। टेस्ट क्यों देंगे? ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए, हमें क्लास में ये पता चले कि हमें जो भी रूल्स हम ग्रामर के पढ़ रहे हैं उनको टेस्ट में या क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद हर चैप्टर के बाद, आफ्टर ईच चैप्टर, ठीक है, जब भी हम एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने आर्टिकल्स कंप्लीट किया, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, क्लास में करेंगे, लाइव करेंगे। ठीक है, ताकि जो भी रूल्स हम इस चैप्टर में मैं आपको पढ़ा रही हूँ उनको इन क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई कर रहे हैं वो मैं आपको समझा सकूं। एंड डेफिनेटली जब आप घर पे खुद से इस चैप्टर की क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग क्या कर सको, आपको पता रहे कि किस तरीके से इन रूल्स को इस चैप्टर में अप्लाई करना है। ठीक है, ओके, तो ये सब चीजें हम करने वाले हैं, ये सब हम ऑलरेडी अपने बैच में कर भी रहे हैं। ठीक है, तो दिस वुड बी माई अप्रोच टू मेक यू रिमेम्बर थिंग्स इन द क्लास, जो भी रूल्स हैं। तो इंग्लिश को मैंने जितना ईजी हो सकता था उतना ईजी बनाने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर के रूल्स में ज्यादा परेशान ना होना पड़े। तो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, एंड इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे चलेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं सिलेबस की बात कर रही थी। सिलेबस देखो, इंग्लिश ग्रामर का जो सिलेबस है, ठीक है, वो इस तरीके से दिया हुआ है। स्पीच हमें करना है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रेपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन, सेंटेंसेस करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, टेंसेस हो जाएगा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, उसके बाद नरेशन, ठीक है, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, ये स्पॉटिंग द एरर्स, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। अभी ये जो टॉपिक है ना स्पॉटिंग द एरर्स, वो जो है, सी देर इज दिस वन मैसेज, दे आर सेइंग दैट दे कैन नॉट हियर एनीथिंग। आई जस्ट वॉन्ट अ फाइनल कंफर्मेशन फ्रॉम यू ऑल, किस किस को सुन रहा है, जिनको मेरी आवाज क्लियरली सुन रही है प्लीज गिव अ थम्स अप, एंड द पीपल हु कैन नॉट हियर एनीथिंग प्लीज सी आई एम गेटिंग दीज मैसेजेस दैट द वॉइस फ्रॉम माई एंड इज क्लियर। आप लोग प्लीज एक बार अपने सिस्टम को म्यूट अनम्यूट कीजिए। या फिर व्हाट यू कैन डू इज ज्वाइन द मीटिंग अगेन प्लीज। शैल बी परस्यू द क्लास, प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ यू वॉन्ट मी टू स्टार्ट द क्लास। ओके, सो आई स्टार्टेड गेटिंग दीज थम्स अप, थैंक यू ऑल फॉर रिप्लाइंग एंड थैंक यू ऑल फॉर बींग सो पार्टिसिपेटिव। प्लीज ऐसे ही कम्युनिकेट करके मुझे चैट बॉक्स में बताते रहिए, सो दैट वी कैन कनेक्ट विद ईच अदर, राइट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
सिंस आई एम सिटिंग क्वाइट फार अवे फ्रॉम यू ऑल, आप लोगों से बहुत दूर बैठ के मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो आप लोगों को ये जो मैसेजेस हैं, दीज आर ओनली वे जिससे मुझे ये पता चलेगा कि आप लोगों को मेरी बात सुन रही है, समझ आ रही है या नहीं. ठीक है, तो चलते हैं. ये हम सिलेबस की बात कर रहे थे, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं सिलेबस के. अच्छा, अब ये जो टॉपिक है स्पॉटिंग द एरर्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स, आपके जो क्वेश्चंस टेस्ट में फ्रेम होंगे या फिर प्रैक्टिस जो मैं आपको सेट्स दूंगी या प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगी, उसमें क्वेश्चंस को मैंने इसी फॉर्मेट में तैयार किया है. ठीक है, आपका एक यूडीसी का एग्जाम हुआ था, जिस तरीके से आपके पेपर हो रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, हम लोग उसी पैटर्न पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस फ्रेम करके दे रहे हैं. ठीक है, और उसी पैटर्न पे आपको प्रैक्टिस करना है. आई एम श्योर पैटर्न इतनी जल्दी चेंज तो नहीं होगा, बट देन यस, कुछ कुछ चीजें हम लोग टेस्ट में नई भी डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर चेंज भी हो, कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस भी वो आपसे पूछें, तो आप लोग इजीली आंसर कर पाओ विदाउट फियर ऑफ मार्किंग दी रॉन्ग आंसर. ठीक है, अभी जो सेक्शन 2 है उसमें वोकैब है, सिनोनिम एंटोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग टेस्ट होगा, इडियम्स हैं, फिक्स प्रेपोजिशन है, होमोफोन्स हैं, ये सब भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, और इनके लिए एक बहुत अच्छी चीज हम लोग जो कर रहे हैं CSM अकेडमी में, वो क्या कर रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ. हमारे जो ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स, ठीक है, उनमें मैं क्या करती हूँ, आई पुट 2 क्वेश्चंस एवरी डे. तो 2 क्वेश्चंस का क्विज मैं एवरी डे डालती हूँ. अभी वो जो जो क्विज है उसमें ये सारे टॉपिक्स हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं. ठीक है, तो इफ 2 क्वेश्चन एवरी डे होता है, तो मंथ में हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग 60 क्वेश्चन हम कवर कर लें. ठीक है, और बच्चे कैसे कर रहे हैं, दे रोज की रोज भी वो जो मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रही हूँ उनको याद करते हैं, उनके नोट्स बनाते हैं. ठीक है, इसके मैं आपको बुक्स में जो नोट्स हैं वो तो डेफिनेटली प्रोवाइड कराऊंगी ही, ठीक है, इस वाले टॉपिक के. बट देन ये जो क्विज है इसमें हम लोग नए वर्ड्स वोकैबुलरी के सीखने की कोशिश करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हिंदू न्यूज़पेपर है, ठीक है, उसमें कोई नया वर्ड है, जो डिफिकल्ट वर्ड है या मॉडरेटली डिफिकल्ट वर्ड है, ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो आपने शायद कभी सुने हैं या कभी नहीं सुने, और एग्जाम में जाके जब आप पेपर सॉल्व करते हो तो आपको लगता है यार इस वर्ड का मतलब नहीं पता, तो ऐसे वर्ड्स जो है हम इस क्विज में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें आपके साथ जो बच्चे पेपर दे रहे हैं वो पढ़ के आएंगे. बुक्स में बहुत बड़ी बड़ी लिस्ट है, 400 क्वेश्चंस की लिस्ट हो सकती है, सिनोनिम्स की 400+ की लिस्ट हो सकती है, एंटोनिम्स की, जो डेफिनेटली हम लोग भी आपको प्रोवाइड कराएंगे. बट देन आपको अपने कंपेटिटर्स से, जो भी आपके साथ और बच्चे एग्जाम दे रहे हैं आपके कंपेटिटर्स, उनसे 1 स्टेप अहेड रहना होगा. और 1 स्टेप अहेड हम कैसे रहेंगे, हम रहेंगे हिंदू से या इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, ठीक है, उन न्यूज़पेपर से रोज के नई वोकैबुलरी सीख, ठीक है, वो हम क्या करेंगे यहाँ से सीखेंगे. ओके, उसके बाद वो कैसे सीखा जाएगा, उसके लिए 2 क्वेश्चंस का जो क्विज है वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जा रहा है. 2 क्वेश्चंस एवरी डे यू लर्न, ठीक है, महीने के 60 क्वेश्चंस लर्न हो रहे हैं, और वहां से हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, नए वर्ड्स सीख रहे हैं. उसमें टॉपिक्स में कौन से कवर कर रही हूँ, एवरीथिंग फ्रॉम पार्ट 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेबस. ठीक है, तो इस सिलेबस का सब कुछ ही जो पेपर में आना है वो कवर कर रहे हैं. ठीक है, आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, अभी तक जो भी मैंने बताया, होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. सी इफ इट इज क्लियर देन गिव अ थम्स अप सो दैट वी कैन मूव ऑन टू दी मेन टॉपिक टुडे. ओके, सो आई हैव स्टार्टेड गेटिंग दिस यस इन द चैट बॉक्स. ओके, सो आई एम शेयरिंग दी पीपीटी ऑफ द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टूडे. सी यू विल गेट अ फेयर आइडिया इस अभी आफ्टर लुकिंग एट दिस पीपीटी यू विल गेट अ फेयर आइडिया दैट वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग इन दिस मैनर. आई विल बी प्रोवाइडिंग यू डिटेल्ड नोट्स लाइक दिस. ठीक है, एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग अबाउट द रूल्स इज देयर. ठीक है, सिंप्लीफाइड तरीके से. ठीक है, और we will be covering it like this. Apart from that, when we will finish this chapter, what we will do is, like this, I am going to provide you the questions, which are the practice questions, and you'll be solving them definitely. And I'll be providing you with the answers as well. But then, I'll try
I will just suggest you that do solve these questions on your own. Okay, if you need any help, I'll be there. But then don't look at the answers first and then solve, right? So this way, what we are going to do, we are going to do the chapter this way, right? So without delaying much, what I'm going to do is I'm going to start the class. So we are going to study general English, everything about general English, each and every rule in a very simplified manner, right? अभी के लिए जब हम शुरू करेंगे टॉपिक तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन स्टार्ट विद आर्टिकल्स सिंस इट इज अ सिंपल टॉपिक एंड क्वाइट इजी फॉर फर्स्ट क्लास एंड टू यू नो क्रिएट योर इंटरेस्ट बेसिकली राइट एंड सो आर टॉपिक वन इज व्हाट आर टॉपिक वन इज आर्टिकल्स राइट अभी सबसे पहले करने से पहले स्टार्ट व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना ट्राई टू एक्सप्लेन यू व्हाट आर्टिकल्स आर राइट What articles are? See, when you were in like small class, like when you were in fourth class or maybe fifth class, what you would have done, you would have studied this usage of a, an, and the, right? So you would have studied the usage of these particular words, that where we have used these words, right? I'm sorry for the disturbance, but then just give me a second. Okay. So when you were a kid, you would have studied these words easily. Just hold on, just give me a second. Let me just shut the door. Okay. I hope the audio is clear. तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे दैट जब आप मे बी फोर्थ स्टैंडर्ड या फिफ्थ स्टैंडर्ड में थे तो क्लास में आपने पढ़ा होगा ए का यूज हम कहाँ करते हैं एन का कहाँ करते हैं द का कहाँ करते हैं ठीक है वो हम छोटे थे तो उस तरीके से हमने पढ़ा लाइक जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है अभी हम लोग बड़े हैं वी आर हेयर टू कम्पीट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम ठीक है सो वी विल बी स्टडिंग ऑल दिस इन अ वेरी रिफाइंड मैनर तो बहुत ही रिफाइंड तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं पढ़ने वाले हैं ठीक है अभी देखो आर्टिकल्स क्या होते हैं आर्टिकल्स अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं कि आपको याद रहे ठीक है तो उसका यही है कि ए एन एंड द ये क्या है आर्टिकल्स हैं ठीक है बट देन हमें तो डेफिनेशन भी समझना है तो डेफिनेशन बेसिकली क्या है डेफिनेशन है आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट आइडेंटिफाई नाउन एज बींग स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक अब इसका मतलब क्या हुआ जी इसका मतलब बहुत सिंपल है इसका मतलब है कि आर्टिकल्स जो है कोई भी नाउन अब आपको लगेगा मैम नाउन क्या होता है तो नाउन भी मैं आपको भी साथ के साथ समझाऊंगी ताकि बाय द एंड ऑफ द क्लास आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहे तो नाउन क्या होता है पहले यही देख लेते हैं नाउन जो है वॉट इज नाउन नाउन अगर हम डेफिनेशन की बात करें या सिंपल वर्ड्स में भी बात करें सेम ही है कोई भी प्लेस कोई भी पर्सन कोई भी थिंग कोई भी आइडिया कोई भी फीलिंग ठीक है उसको हम बेसिकली क्या कर सकते हैं नाउन बोल सकते हैं ठीक है उसको हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं नाउन बोल सकते हैं तो एनी प्लेस एनी पर्सन एनी थिंग एनी आइडिया एनी फीलिंग प्लेस क्या हो सकती है फॉर एग्जाम्पल अरुणाचल प्रदेश ठीक है पर्सन क्या हो सकता है फॉर एग्जाम्पल आई फॉर एग्जाम्पल मैं खुद ठीक है फॉर एग्जाम्पल मी फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज अवनीत तो अवनीत कुड बी अ पर्सन ठीक है थिंग क्या हो सकती है फॉर एग्जाम्पल टेबल ठीक है आइडिया क्या हो सकता है आइडिया कैन बी एनीथिंग लाइक कुछ भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी द आइडिया ऑफ यू नो नेशनलिज्म ठीक है तो इस तरीके से कोई भी आइडिया उसके बाद फीलिंग क्या हो सकती है फीलिंग इट कैन बी इफ यू आर लाइक इफ फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर फीलिंग सैड तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग है या कोई भी क्वालिटी क्वालिटी भी नाउन में आ सकती है जैसे अगर आप कोई चीज परचेज कर रहे हो तो फॉर एग्जाम्पल इट इज ड्यूरेबल तो ड्यूरेबिलिटी इज अ क्वालिटी तो इस तरीके से नाउन जो है कुछ भी हो सकता है नाउन कैन बी अ प्लेस ऑल्सो नाउन कैन बी अ प्लेस ऑल्सो नाउन कैन बी अ पर्सन ऑल्सो नाउन कैन बी अ थिंग ऑल्सो इट कैन बी द आइडिया इट कैन बी द फीलिंग इट कैन बी द क्वालिटी एनी थिंग कैन बी नाउन राइट तो इनमें से कुछ भी चीज अगर होगी तो हम उसको नाउन बोल सकते हैं अभी नाउन जो है वो उसको उसको जो वर्ड्स नाउन जो है
उसको जो वर्ड्स ये बताएं कि ये नाउन स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है, ठीक है? वो वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, उन वर्ड्स को हम आर्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है? तो नाउन क्या है? नाउन कैन बी द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग, आइडिया, फीलिंग, ठीक है? क्वालिटी हो सकती है. अभी ये नाउन जो है, नाउन को स्पेसिफिक या अनस्पेसिफिक बताने वाले वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है? अब आप बोलोगे कि स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक कैसे पता चलेगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलती हूँ अ डॉग, ठीक है? ठीक है, या मैं बोलती हूँ डॉग्स, ठीक है? अभी आप बेसिकली क्या करोगे, इसको जब करो पढ़ोगे, अ डॉग या डॉग्स, ऐसे मैंने बोला, ठीक है? तो जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि कोई भी डॉग, पूरी डॉग कम्युनिटी, ठीक है, जितने भी डॉग्स हैं यहाँ पे पूरी अर्थ पे, ठीक है, उनकी बात हो रही है. तो ये जो है वर्ड, जब ए लगा हुआ है तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंटायर डॉग्स को ऑन दी अर्थ और ऑन दी प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. लेकिन जब मैं डॉग के साथ द डॉग यूज करूंगी तो ये बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, एक स्पेसिफिक डॉग को रिप्रेजेंट करेगा. अब ये डॉग मेरा खुद का डॉग भी हो सकता है, ठीक है? तो एक स्पेसिफिक डॉग, सपोज डॉग इन माय लोकैलिटी, या डॉग मेरे फ्रेंड का डॉग, तो एक स्पेसिफिक डॉग को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आर्टिकल्स जो हैं वो बेसिकली क्या हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन को बेसिकली क्या बताते हैं, स्पेसिफिक बताते हैं कि ये स्पेसिफिक डॉग की बात हो रही है, ये उस डॉग की बात हो रही है जो मेरा डॉग है या मेरी लोकैलिटी का डॉग है, या अनस्पेसिफिक है. अनस्पेसिफिक का मतलब, या सारे डॉग्स की बात हो रही है जितने भी इस अर्थ पे हैं, ठीक है? राइट, ठीक है. तो इससे हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि आर्टिकल जो है वो हमें ये बताते हैं कि नाउन को, नाउन जो है आपका, इधर इट इज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक, राइट? अभी इसका एग्जाम्पल हम ऑलरेडी देखो ये डॉग की फॉर्म में देख चुके हैं, बट इसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में भी देखते हैं ताकि आप लोगों को इजिली समझ आ सके. देखो अब ये वाला एग्जाम्पल देखो. सी, आई हैव गिवन दिस एग्जाम्पल हियर. आफ्टर अ लॉन्ग डे, अ कप ऑफ टी टेस्ट पर्टिकुलरली गुड, ठीक है? After a long day, a cup of tea tastes particularly good. तो इस स्टेटमेंट में वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि आफ्टर अ लॉन्ग डे, लॉन्ग डे के बाद, या एक हेक्टिक हेक्टिक डे के बाद, अगर हम चाय पिए तो वो बेसिकली अच्छी लगती है, ठीक है? अ कप ऑफ टी टेस्ट पर्टिकुलरली गुड, राइट? तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में यहाँ पे अ कप ऑफ टी की बात हो रही है, विच मीन्स कि कोई भी अगर हैक्टिक डे के बाद, या एक लॉन्ग डे के बाद चाय पिएगा, और कोई भी कप ऑफ चाय, ठीक है, नॉट नेसेसरली बरिस्ता की चाय या नॉट नेसेसरली घर की चाय, कहीं पे भी आप चाय पियोगे आपको अच्छी ही लगेगी, ठीक है? तो किसी भी कप ऑफ टी की यहाँ पे वो क्या कर रहा है, बात कर रहा है. यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया इसको, बाय यूजिंग द आर्टिकल ए वी हैव क्रिएटेड अ जनरल स्टेटमेंट implying that any cup of tea, कोई भी कप ऑफ टी, अब आप वो कप ऑफ टी बरिस्ता में पी रहे हो, आप वो कप ऑफ टी घर पे पी रहे हो, आप वो कप ऑफ टी अपने फ्रेंड के घर पे पी रहे हो, ठीक है? आप वो कप ऑफ टी रोड साइड पी रहे हो, ठीक है, रोड साइड स्टॉल पे पी रहे हो, ठीक है? एनी कप ऑफ टी, यहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया कि कौन सा कप ऑफ टी, राइट? तो हम लोग उसको कोई भी कप ऑफ टी समझ रहे हैं, राइट? तो ये जो है क्या हो गया, दिस इज द केस ऑफ अनस्पेसिफिक, ठीक है? तो अनस्पेसिफिक का क्या हो गया केस, क्योंकि किसी भी चाय के कप की बात कर रहा है वो, कोई भी, मैं थक के आई, ठीक है, काम से, उसके बाद मैंने क्या किया, एक कप चाय पिया, एंड आई फील गुड, या द चाय कप ऑफ टी विल फील टेस्ट गुड, राइट? तो किसी भी कप ऑफ टी की यहाँ पे क्या हो रही है, बात हो रही है. बट देन अभी ये एग्जाम्पल देखो, आफ्टर द लॉन्ग डे, द कप ऑफ टी टेस्टेड पर्टिकुलरली गुड. अब यहाँ पे वो एक स्पेसिफिक कप ऑफ टी की बात कर रहा है कि वो कप ऑफ टी जो मैंने टेस्ट किया था वो अच्छा था, ठीक है? तो अब ये कप ऑफ टी उसने कहीं पे भी पिया हो सकता है, ठीक है? तो जब द लग जाएगा तो आप क्या समझोगे, आप यही समझोगे कि किसी स्पेसिफिक चीज की बात की जा रही है, कोई स्पेसिफिक थिंग की बात की जा रही है. और जब ए या एन आप यूज करते हो तो आप क्या समझोगे कि किसी भी, यानी अनस्पेसिफिक चीज की क्या की जा रही है, बात की जा रही है. तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि आर्टिकल्स जो हैं, ठीक है, आर्टिकल्स क्या हैं, आर्टिकल्स जो हैं, आर्टिकल्स देखिए, एक मैसेज जो बार बार पॉपअप हो रहा है वो ये है कि आप लोगों को सुनाई दे रहा है क्या, प्लीज लेट मी नो अगर ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है तो, बिकॉज सी हम लोग अगर पढ़ रहे हैं तो आई जस्ट वॉन्ट ईच एंड एवरी वन
ऑफ यू टू हियर मी, राइट? सब लोगों को इक्वली समझ आए, सब लोगों को इक्वली मैं सुनाई दूं, तो अगर कुछ भी अभी भी ऑडियो में या वीडियो में जो स्क्रीन आपको दिख रही है उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर 10 सेकेंड्स। अगर नहीं प्रॉब्लम है तो थम्स अप दे दो कि स्क्रीन भी विजिबल है और आपको ऑडियो भी क्लियर है। जस्ट गिव अ थम्स अप इफ स्क्रीन इज ऑल्सो विजिबल एंड ऑडियो इज ऑल्सो क्लियर। ओके, आई गेस सबको सुनाई दे रहा है और सबको ऑडियो क्लियर है, ठीक है? जिन एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रहा है प्लीज अपने एंड पे चेक कीजिए अपने सिस्टम में, ठीक है? तो हम लोग क्या बेसिकली पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिकल्स। तो इस स्लाइड से हमें बेसिकली क्या समझ में आया कि आर्टिकल्स क्या है, ठीक है? तो एक छोटा सा रिविजन हम फटाफट करते हैं। हमें ये समझ में आया कि आर्टिकल्स जो है ना वो ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम बेसिकली क्या करते हैं, यूज करके नाउन को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि नाउन क्या है, स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है, ठीक है? उसके हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे। फॉर एग्जाम्पल, इस केस में हमने क्या देखा कि किसी भी कप ऑफ टी की बात हो रही थी, तो अनस्पेसिफिक को जब हमें रिप्रेजेंट करना होता हम ए या एन यूज करते हैं, और स्पेसिफिक को जब हमें बात करनी होती है तो हम किस आर्टिकल को यूज करते हैं, द को। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे कप ऑफ टी की बात कर रहे हो जो आपने अपने फ्रेंड के घर पे पिया, ठीक है? कप ऑफ टी जो आपने आपके फ्रेंड ने आपके लिए बनाया और आपने अपने फ्रेंड के कप घर पे पिया, तो आप द कप ऑफ टी दैट आई हैड एट माई फ्रेंड्स होम उसकी बात कर रहे हो, ठीक है? और अगर आप नॉर्मल कप ऑफ टी की बात कर रहे हो तो आप ए यूज करोगे, राइट? ठीक है, आई होप इट इज क्लियर कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन को क्या बताते हैं, कि नाउन स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है। स्पेसिफिक के लिए हम क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं, और अनस्पेसिफिक के लिए हम क्या यूज करते हैं, ए या एन को एज एन आर्टिकल यूज करते हैं, राइट? और नाउन क्या पढ़ा था हमने, नाउन हमने पढ़ा था कि नाउन जो है कोई भी प्लेस हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी थिंग हो सकता है, कोई भी एनिमल हो सकता है, कोई भी आइडिया हो सकता है, कोई भी क्वालिटी हो सकती है, कोई भी फीलिंग हो सकती है, ठीक है? तो एनीथिंग जो इसके अंदर फॉल करेगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, आपका नाउन हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, एनिमल में जैसे हम डॉग का एग्जाम्पल ले रहे थे, डॉग इज ऑल्सो नाउन, राइट? ठीक है, नाउन चैप्टर हम अलग से भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ है तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इसको क्या किया, समझा दिया, ताकि बिना किसी कंफ्यूजन के हम नेक्स्ट स्लाइड पे क्या कर सकें, शिफ्ट कर सकें, ठीक है? आई होप इतना सबको क्लियर होगा। और विद दिस आई एम मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आर्टिकल्स के जो टाइप्स हैं वो कितने होते हैं, ठीक है? अभी तो हमने रफली देखा, रफली हमने क्या देखा, हमने देखा कि आर्टिकल्स जो हैं दे आर ऑफ लाइक तीन आर्टिकल्स होते हैं, ए एन एंड द, ये देखा हमने, ठीक है? पर ये तो बहुत ही रफ सा कैटेगराइजेशन था कि ए एक आर्टिकल है, एन भी एक आर्टिकल है, द भी एक आर्टिकल है, जो हम छोटी क्लासेस में फोर्थ या फिफ्थ स्टैंडर्ड में भी पढ़ते रहे हैं, ठीक है? बट अभी जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आप क्या याद रखोगे कि आर्टिकल्स जो है वो टू टाइप के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है? तो आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं पहले तो ये याद होना चाहिए, टू टाइप के। कौन कौन सा टू टाइप? वन इज डेफिनेट एंड द अदर इज इनडेफिनेट, ठीक है? अभी डेफिनेट आर्टिकल क्या होगा? डेफिनेट आर्टिकल होगा जो एक पर्टिकुलर नाउन को रिप्रेजेंट करेगा। पर्टिकुलर मतलब मैंने क्या बताया था इससे पिछली साइड में, स्पेसिफिक नाउन को पढ़ के आए हैं हम। स्पेसिफिक नाउन को रिप्रेजेंट करता है कौन सा? डेफिनेट। और इनडेफिनेट जो है वो अननोन नाउन या अनस्पेसिफिक नाउन को बेसिकली क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसा हम लास्ट एग्जाम्पल में देख के आए हैं, क्या देखा था, अ कप ऑफ टी, और यहाँ पे क्या देखा था, द कप ऑफ टी, ठीक है? यहाँ पे एक स्पेसिफिक कप ऑफ टी की बात हो रही थी, मतलब पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर नाउन यानी एक पर्टिकुलर कप ऑफ टी की बात हो रही थी। यहाँ पे जो है एनी कप ऑफ टी की बात हो रही थी, अ कप ऑफ टी, जो कि अनस्पेसिफिक था, अननोन नाउन था, ठीक है? किसी भी पर्टिकुलर कप ऑफ टी की बात हो रही है, ठीक है? अभी डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होगा? डेफिनेट आर्टिकल जो होगा एक ही होता है, डेफिनेट आर्टिकल दैट इज द, जो किसी भी पर्टिकुलर नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है,
ठीक है, तो एक ही आर्टिकल है हमारे पास डेफिनेट की कैटेगरी में, कौन सा? द। और इनडेफिनेट में हमारे पास दो आर्टिकल्स आ जाते हैं, ए एंड एन। ठीक है, ठीक है, दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट देखो, अभी जब डेफिनेट आर्टिकल हम यूज करेंगे तो कहाँ यूज कर सकते हैं इसको? देखो, दोनों जगह यूज कर सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में भी और प्लूरल काउंटेबल नाउन में भी। ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज दिस इन सिंगुलर काउंटेबल नाउन ऑल्सो एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन ऑल्सो। अब आपको लगेगा, मैम ये तो नया टर्म आ गया, काउंटेबल नाउन क्या होता है, ये तो आपने बताया ही नहीं। हमने अभी तक नाउन में क्या पढ़ा था? हमने नाउन में पढ़ा था, देखो अभी आपको लगेगा कि मैम आप हर बार रिवाइज कराने लग जाते हो, है ना, बट द थिंग इज कि हम लोग इसको अच्छे से पढ़ने के लिए जब भी ये वर्ड्स आएंगे इनको डेफिनेटली साथ साथ मैं आपको रिकॉल करने में हेल्प करूंगी, ताकि आपको भी कॉन्सेप्ट्स जो है ऐसे आपके ब्लड में जो है वो आ जाए, कि बिना पूछे बिना रिवाइज किए भी आप लोग डेफिनेशंस को वर्बली सबको बता पाओ, या जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाए आप उसको बता पाओ। तो नाउन क्या पढ़ा था? नाउन पढ़ा था कोई भी पर्सन, प्लेस, ठीक है, थिंग, या फिर फीलिंग, या फिर आइडिया, ठीक है, या फिर एनिमल, ठीक है, इन सबके नाम जो है उनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। अभी नाउन जो है, वैसे बहुत सारे टाइप्स के होंगे, हम देखेंगे इनको नाउन चैप्टर में, बट अभी के लिए आप ये समझो कि नाउन जो है वो दो तरीके के होते हैं, काउंटेबल नाउन और दूसरा कौन सा होता है? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अभी आपको नाम से पता चल रहा होगा कि काउंटेबल क्या होता है। काउंटेबल होता है जिसको हम नंबर्स में बेसिकली क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो काउंटेबल कौन सा होता है? जिसको हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल कौन सा होगा? जिनको हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अभी काउंट क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल 10 डॉग्स, अगर मैं 10 डॉग्स बोलूं तो आपको पता रहेगा कि 10 डॉग हैं, यू कैन काउंट द डॉग्स। ठीक है, या अगर मैं बोलूं अ डजन बनाना, अ डजन बनाना, नाउ इतनी सी बात पढ़ने के बाद आपको पता रहेगा कि कितने बनानास की बात हो रही है, डेफिनेटली 12 बनानास की बात हो रही है। ठीक है, डजन में 12 बनानास ही होते हैं। ठीक है, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन काउंट दीज थिंग्स। अभी अनकाउंटेबल क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा मिल्क, कैन यू काउंट मिल्क? ठीक है, मिल्क का एक पैकेट है, जब आप ओपन करते हो तो क्या आप उस मिल्क के पैकेट को काउंट कर सकते हो? द क्वांटिटी दैट इज देयर, कैन यू काउंट दैट क्वांटिटी? नो, वी कैन नॉट डू दैट। ओके, राइस, ठीक है, जितने भी राइस है क्या आप उसको, 1 kg राइस को क्या आप काउंट कर पाओगे? इट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? सो इट इज कंसिडर्ड अनकाउंटेबल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी और आप एग्जाम्पल ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? मिल्क हो सकता है, राइस हो सकता है, वॉट एल्स कैन बी देयर इन अनकाउंटेबल नाउन? अनकाउंटेबल नाउन में आपका फॉर एग्जाम्पल फ्लोर, जिससे हम चपाती बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, दैट कैन बी देयर, यू कैन नॉट काउंट दैट, राइट? ठीक है, यू कैन नॉट काउंट दैट, तो यू आप इसको काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही ईजी है समझने में। नाउन हमने पढ़ा, पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग, आइडिया या एनिमल हो सकता है। ठीक है, नाउन को दो तरीके से समझो, काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। काउंटेबल कौन सा होगा? जिसको आप ऐसे फिंगर्स पे काउंट कर लो, 1 2 3 करके, या 100 तक, या 1000 तक, या बिलियंस तक, बट काउंट हो सकता है नंबर्स में, ऐसा नाउन काउंटेबल नाउन होगा। बट कोई ऐसी चीज जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो उसको हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। और वो क्या हो सकता है? मिल्क हो सकता है, फ्लोर हो सकता है, आटा जिससे आप कुछ बनाते हो, राइस हो सकता है, यू कैन नॉट काउंट दैट, राइट? तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन है। अभी यहाँ पे ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? ये बोल रहा है कि जो डेफिनेट आर्टिकल है उसको आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज कर सकते हो, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। अब आपको लगेगा कि मैम आपने काउंटेबल नाउन भी बताया और अनकाउंटेबल नाउन भी बताया, बट आपने ये तो बताया ही नहीं सिंगुलर एंड प्लूरल कैसे होगा। ठीक है, तो डोंट वरी, ठीक है, मैं ये भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड। देखो क्या पढ़ा था अभी तक? अभी तक पढ़ा था नाउन क्या होता है, फिर पढ़ा टू टाइप्स का होगा, काउंटेबल होगा और अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, अभी काउंटेबल नाउन जो है वो फर्दर दो टाइप का होगा, सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, अभी सिंगुलर से क्या समझ रहे हो? कि किसी एक चीज की बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल अ डॉग, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ बैट, फॉर एग्जाम्पल अ विमेन। ठीक है, तो सिंगुलर से आपको क्या पता चलेगा? कि किसी एक चीज के बारे में बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल एन एग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एन ऑक्टोपस। ठीक है, तो
तो सिंगुलर काउंटेबल से आपको क्या पता चल रहा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से आपको क्या पता चल रहा है, आपको पता चल रहा है कि किसी एक चीज की बात हो रही है, वन थिंग इज टॉक्ड अबाउट, ठीक है। अगर मैं इसको प्लूरल काउंटेबल बोलूं तो किस तरीके से होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूं डॉग्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूं बैट्स, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूं ऑक्टोपस, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूं, और क्या एग्जाम्पल हो सकता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन का, इट कैन बी लैपटॉप्स, इट कैन बी रिंग्स, इट कैन बी क्लोथ्स, ठीक है। तो ये सब आपको क्या पता चल रहा है, जब यहाँ पे ये एस लग गया तो आपको क्या पता चल रहा है कि मल्टीपल चीजों की बात हो रही है, ठीक है, प्लूरल चीजें। अब वो लैपटॉप्स 10 हो सकते हैं, ठीक है, 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, ठीक है, 10,000 हो सकते हैं, 1 लाख, कितने लैपटॉप है दैट इज नॉट क्लियर, बट आपको ये पता है कि डेफिनेटली 1 लैपटॉप की तो यहाँ पे बात नहीं हो रही है, 1 से ज्यादा लैपटॉप की बात हो रही है, एंड दैट इज वाई हमने उसको लैपटॉप्स बोला, राइट। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या होगा कि वो मल्टीपल है, जैसे 1000, 1 लाख, 10 लाख, ठीक है, इस तरीके से, बट काउंटेबल है, ठीक है। तो जो डेफिनेट आर्टिकल है यानी कि द जो है, ठीक है, उसको हम कहाँ यूज करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल काउंटेबल नाउन में भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल द वुमेन, ठीक है, द वुमेन से आपको क्या पता चल रहा है, एक स्पेसिफिक वुमेन की बात हो रही है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द डॉग्स, ठीक है, द डॉग्स से आपको क्या पता चल रहा है, आपको पता चल रहा है कि मल्टीपल डॉग्स हैं, ठीक है, बहुत सारे डॉग्स की बात हो रही है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक ब्रीड ऑफ डॉग्स की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि द यूज किया गया है, ठीक है, द हम पर्टिकुलर नाउन के साथ यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल्स जो है वो 2 टाइप के हैं, कौन से 2 टाइप आ जाएगा, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट में क्या आ जाता है, द आ जाता है, ठीक है, जो कि किसके साथ यूज होता है, स्पेसिफिक नाउन के साथ यूज होता है, और इनडेफिनेट में बेसिकली क्या आ जाएगा, ए आएगा और एन आएगा, ये किसके साथ यूज होता है, अनस्पेसिफिक नाउन के साथ यूज होता है, ठीक है। अभी द को हम और कहाँ यूज कर सकते हैं, द को हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं, बट ए एंड एन को जो है हम सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ क्या करेंगे, यूज करेंगे, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ए एंड एन ऐसे नहीं बोलोगे ना, अ बैट्स, ये तो गलत हो जाएगा। तो जो इनडेफिनेट आर्टिकल है यानी ए है और एन है, इसको आप सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हो, यू डू नॉट यूज इट विद प्लूरल काउंटेबल नाउन। कैसे, फॉर एग्जाम्पल एग्स है, एग्स को पढ़ के आपको क्या पता चल रहा है कि ये काउंटेबल तो है और प्लूरल है, पर प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आप एन एग्स नहीं यूज कर सकते, ठीक है, यू कैन नॉट यूज एन एग्स विद प्लूरल काउंटेबल नाउन, आपको द एग्स यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हम रोज लाइफ में कर भी देते होंगे, ठीक है, लेकिन अब क्योंकि आप ये इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस अटेंड कर रहे हो, सो यू विल बी क्वाइट अवेयर कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो हैं ए एंड एन, उनको आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ तो यूज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अ डॉग, अ बैट, एन एग, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अ डॉग्स नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी अ डॉग्स, इट विल बी द डॉग्स, ठीक है, इट कैन नॉट बी अ बैट्स, अभी ये प्लूरल है और काउंटेबल भी है, डॉग्स को गिना भी जा सकता है, बैट्स को गिना भी जा सकता है, ठीक है, और काउंटेबल तो है ही बट प्लूरल भी है क्योंकि एस लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे अ बैट्स नहीं यूज होगा, यहाँ पे द बैट्स ही यूज, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, छोटी सी है और बहुत माइनर सी मिस्टेक हो सकती है इसमें, इसको आप यहाँ पे याद रखोगे। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है, ये स्लाइड भी आई एम श्योर सबको क्लियर होगा। अभी के लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि आर्टिकल्स जो है उनको हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अपनी स्लाइड्स जो बनाई हैं उनमें सब कुछ क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ठीक है, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो करने पड़ेंगे, हम क्लास में भी करेंगे बट डेफिनेटली हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे हर चैप्टर के, ताकि एग्जाम में आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए सॉल्व करने में, ठीक है। अभी देखो आर्टिकल्स को यूज कहाँ कर सकते हैं, नाउन के साथ यूज कर सकते हैं, हम अभी देख के भी आए हैं, अ बॉय, एन एप्पल, ठीक है। नाउन क्या होता है, नाउन जो है वो ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या हो सकते हैं, पर्सन हो सकते हैं, प्लेस हो सकते हैं, थिंग हो सकते हैं,
फीलिंग हो सकते हैं, आइडिया हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब एडजेक्टिव के साथ भी यूज हो सकते हैं, ठीक है, और नाउन के साथ भी। मतलब कोई ऐसा स्टेटमेंट गिवन है जहां पे बोथ एडजेक्टिव प्लस नाउन आर गिवन, वहां पे भी आप क्या यूज कर सकते हो आर्टिकल को। अब आपको लगेगा कि मैम ये एडजेक्टिव तो फिर से एक नया वर्ड आ गया, अब इसका मतलब बताओ। तो एडजेक्टिव्स कुछ नहीं होते, अभी के लिए ये चैप्टर हम करेंगे, अभी के लिए बहुत सिंपल से वर्ड्स में इसको याद रखो। कोई भी एडजेक्टिव क्या होगा, एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, जो किसी भी नाउन की बेसिकली किस चीज को बताते हैं, क्वालिटी को, या उसकी किसी भी अच्छे फीचर को बताते हैं, ठीक है, उसकी किसी क्वालिटी को बता रहे हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन की किसी क्वालिटी को बता रहे हैं या कोई फीचर को बता रहे हैं, उनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव्स बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अ टॉल बॉय, अभी बॉय क्या है, टॉल है, तो टॉल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। बॉय की एक क्वालिटी, एक फीचर को बता रहा है ना, ठीक है, तो एक एक तरीके से बॉय के अंदर जो खास बात है उसको बता रहा है, उसकी क्वालिटी को बता रहा है। तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन की किस चीज को बताते हैं, क्वालिटी को बताते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, एन इंटेलिजेंट गर्ल, अभी गर्ल क्या है, नाउन, ठीक है, वॉट इज गर्ल, गर्ल इज अ नाउन, और उसकी एक क्वालिटी क्या है कि वो गर्ल इज इंटेलिजेंट, राइट, वो गर्ल क्या है, इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट जो हो जाएगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो ये जो वर्ड इंटेलिजेंट है यहाँ पे, दिस इज टेलिंग द क्वालिटी ऑफ द गर्ल, हेंस इट इज एडजेक्टिव, ठीक है। तो अब देखो, अ टॉल बॉय, एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो जब भी ऐसा कुछ स्टेटमेंट आपको दिया है जहां पे एडजेक्टिव एंड नाउन इकट्ठे दिए हुए हैं, उस केस में भी आप आर्टिकल को क्या करोगे, यूज करोगे। तो नाउन्स में तो हम यूज कर ही रहे थे, नाउन्स के साथ तो हम आर्टिकल्स को यूज कर ही रहे थे, बट नाउन से पहले अगर कोई एडजेक्टिव भी गिवन है, यानी ऐसा वर्ड जो इस नाउन की क्या बता रहा है, आपको क्वालिटी बता रहा है, तो उसके साथ भी आप क्या यूज करोगे, आगे पहले यहाँ पे आर्टिकल को यूज करोगे, ठीक है। कोई भी आर्टिकल, ए भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, द भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि एडजेक्टिव क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट जो है, तीसरी जगह जो जिसको हम जहां पे हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं, वो क्या होगा, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। तो जब इस तरीके की कोई स्टेटमेंट गिवन है जहां पे एडवर्ब गिवन है, एडजेक्टिव गिवन है और नाउन गिवन है, वहां पे भी आप पहले यहाँ पे क्या क्या करोगे, आर्टिकल को यूज करोगे, ठीक है। अब आपको लगेगा कि मैम नाउन आपने समझा दिया, एडजेक्टिव भी समझा दिया, अब एडवर्ब्स क्या होते हैं। देखो, इसको बहुत सिंपल से वर्ड्स में आपको समझाती हूँ, चैप्टर हम ये करेंगे, ठीक है, तो मैं वो टेक्निकलिटी में अभी नहीं जा रही हूँ। अभी मेरा पर्पस है कि आप लोगों को बेसिक वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इस क्लास के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि एडवर्ब क्या है, तो आप लोग ऐसे वर्बली बता पाओ कि ये एडवर्ब है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, नाउन्स होते हैं, ठीक है, नाउन्स की जो क्वालिटी बताते हैं वर्ड्स, उनको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन की क्या बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, उनको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। लेकिन अब इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव की भी क्या बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, जो एडजेक्टिव की भी क्वालिटी बताते हैं, और इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं, सिंपल। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक छोटा सा फ्लो चार्ट याद रखना है कि नाउन की क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, हम एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है, और एडजेक्टिव की भी जो क्वालिटी बताते हैं, ठीक है, ऐसे वर्ड्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल पता चल जाएगा, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो एग्जाम्पल, लेट मी जस्ट इरेज द बोर्ड, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। तो इसके साथ मैं एक चीज और रिपीट कर दूंगी, एक बार और रिपीट कर देती हूँ, सो दैट इट इज क्लियर टू यू ऑल। अभी नाउन की क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं, सुनाई नहीं दे रहा है, ओके, किस किस को नहीं सुनाई दे रहा है। अभी कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, जल्दी से बता दो, दिस टू स्टूडेंट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम इन ऑडियो, एनीबडी एल्स, कोई और फेस कर रहा है प्रॉब्लम ऑडियो में, नो प्रॉब्लम, ओके, एनी अदर स्टूडेंट हु इज फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन ऑडियो, एम आई लाउड एंड क्लियर, ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके, ठीक ओके, तो आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम है ऑडियो में।
अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो आई गेस दैट इज फ्रॉम योर एंड, एंड आपको क्या करना है, आपको अपने खुद के सिस्टम को अनम्यूट करके म्यूट करो या म्यूट करके अनम्यूट करो, ठीक है? जस्ट ज्वाइन द लिंक अगेन, मे बी जस्ट ज्वाइन द लिंक अगेन, और फिर उसके बाद मे बी थोड़ा क्लियर हो जाए. ट्राई ज्वाइनिंग द लिंक अगेन. ओके, सिंस द ऑडियो इज क्लियर, हम लोग आगे चलते हैं. हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि नाउन क्या होते हैं, हम बहुत बार देख चुके हैं हम, ठीक है? नाउन की क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की क्वालिटी बताने वाले वर्ब्स एडवर्ब. नाउन क्या हो सकता है? अ बॉय, ठीक है? अगर एडजेक्टिव क्या होगा? अ टॉल बॉय, ठीक है? यहाँ पे टॉल बेसिकली क्या है? एडजेक्टिव. अगर मैं बोलूं अ वेरी टॉल बॉय, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा. हेलो, हुज देयर? एनी कंफ्यूजन्स? ओके, लेट्स परस्यू द क्लास. तो मैंने क्या बताया था? नाउन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अ बॉय इज द एग्जाम्पल ऑफ नाउन. अ टॉल बॉय, यहाँ पे टॉल जो है इज द एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है? अ टॉल बॉय. आप लोग प्लीज अपनी साइड से म्यूट करेंगे अपना ऑडियो, प्लीज, देर आर सम डिस्टर्बेंसेस. तो जो भी अनम्यूट है प्लीज उसको म्यूट कीजिए. एग्जाम्पल देखो एडजेक्टिव का, अ टॉल बॉय, यहाँ पे टॉल वर्ड जो है क्या आ जाएगा? एडजेक्टिव. क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि ये इस बॉय यानी कि नाउन की क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है. अ वेरी टॉल बॉय यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बेसिकली एडवर्ब हो जाएगा. अगर मैं कहूं कि फॉर एग्जाम्पल राम इज टॉलेस्ट ऑलमोस्ट बॉय इन द क्लास. अभी ये जो टॉलेस्ट है, दिस इज व्हाट? टॉलेस्ट बॉय या वेरी टॉल बॉय इन द क्लास. टॉलेस्ट जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है? अगर मैं कहूं राम इज अ वेरी टॉल बॉय, ठीक है? वेरी टॉल बॉय. तो यहाँ पे वेरी टॉल जो है दैट इज एडवर्ब. एडवर्ब क्यों है? क्योंकि ये जो है बॉय, दिस इज नाउन. टॉल जो है ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव. और वेरी टॉल मतलब सबसे टॉल, बहुत ही ज्यादा टॉल, ठीक है? तो इसकी भी जो क्वालिटी बता रहा है, मतलब टॉल में भी जो वेरी टॉल है, सबसे ज्यादा टॉल है, ठीक है, वो बेसिकली क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है? अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं जो मैंने इस स्लाइड में लिखे हैं. ये तो एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही थी. अब देखो, अ वेरी नाइस फ्लावर. फ्लावर यहाँ पे क्या है? नाउन. अभी फ्लावर क्या है? नाइस है. तो नाइस जो है क्या पता चल रहा है? फ्लावर की क्वालिटी पता चल रही है. तो ये क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव. एंड जो फ्लावर है वो वेरी नाइस है, मतलब सबसे ही अच्छा फ्लावर है. तो ये जो वेरी है ये बेसिकली आपको क्या हो जाएगा? वो एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि नाइस की भी जो क्वालिटी बता रहा है दैट इज एडवर्ब. अ वेरी स्वीट बॉय. बॉय इज नाउन. स्वीट जो है दैट इज द क्वालिटी ऑफ द बॉय, हेंस इट इज एडजेक्टिव. एंड वेरी जो है वो एडजेक्टिव में भी वो बता रहा है कि सबसे स्वीट, वेरी स्वीट, वेरी स्वीट है, ठीक है? जिसका भी माइक अनम्यूट है प्लीज उसको म्यूट कीजिए, बिकॉज बाकी स्टूडेंट्स को थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है? आई होप अब म्यूट हो गया है. अभी देखो, तो वेरी नाइस, वेरी स्वीट बॉय मतलब जो बॉय है दैट इज नाउन, स्वीट इज एडजेक्टिव, एंड वेरी जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि स्वीट बॉय कैन बी एनीवन, राइट? अभी स्वीट में भी जो सबसे स्वीट है, वेरी स्वीट है, तो ये जो वेरी वर्ड यहाँ पे यूज किया दैट इज एडवर्ब, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर. तो इस स्लाइड का कॉन्क्लूजन क्या निकलता है? कॉन्क्लूजन ये निकलता है कि आर्टिकल्स को आप नाउन्स के साथ भी यूज कर सकते हो, यानी बॉय के साथ जो कि एक नाउन है, एडजेक्टिव के साथ फॉर एग्जाम्पल अ टॉल बॉय, ठीक है, और एडवर्ब के साथ फॉर एग्जाम्पल अ वेरी टॉल बॉय, ठीक है? ठीक है, ओके. आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन. अभी तक सबको ये सब क्लियर होगा, ठीक है?
उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, एंड बिफोर गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड हम फटाफट देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा. हमने पढ़ा कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है, हमने देखा कि आर्टिकल्स की डेफिनेशन क्या है. आर्टिकल्स हमने क्या देखा था कि कोई भी नाउन को, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कोई भी नाउन को क्या बताते हैं कि वो नाउन स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है, ठीक है. फिर हमने नाउन को भी देखा था कि नाउन जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, अनकाउंटेबल देखा था और क्या देखा था, काउंटेबल देखा था, ठीक है. काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल भी हमने दो देखे थे कि प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल पेन इज सिंगुलर एंड पेन्स इज प्लूरल, ठीक है. अब इसको आप काउंट भी कर सकते हो, और पेन से आपको क्या पता चल रहा है कि मोर देन वन है, वन प्लस है, ठीक है. और पेन से क्या पता चल रहा है कि एक ही पेन की बात हो रही है, ठीक है. और यहाँ पे भी सेम हमने पढ़ा था कि क्या हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर भी हो सकता है, ठीक है, ये पढ़ा था. उसके बाद हमने देखा था कि आर्टिकल के टू टाइप्स हैं, ठीक है. टाइप्स कौन कौन से पढ़े थे, अगर जल्दी से याद कराऊं मैं आपको, तो डेफिनेट आर्टिकल पढ़ा था और क्या पढ़ा था, इनडेफिनेट आर्टिकल पढ़ा था, ठीक है. डेफिनेट में क्या पढ़ा था, एक ही आर्टिकल द, और इनडेफिनेट में क्या पढ़ा था, ए एंड एन. डेफिनेट कहाँ पे यूज होता है, जब हमें कुछ स्पेसिफिक बताना हो कि ये नाउन स्पेसिफिक है. और इनडेफिनेट कब यूज होता है, जब हमें बताना हो कि ये नाउन जो है दैट इज अनस्पेसिफिक, ठीक है. द जो है वो कहाँ यूज होगा, दोनों के साथ, सिंगुलर काउंटेबल प्लूरल एंड सिंगुलर दोनों के साथ यूज होगा, ठीक है. यही पढ़ा था कि काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं उनके साथ सिंगुलर के साथ भी द यूज होता है एंड प्लूरल के साथ भी द यूज होता है. बट हमने क्या पढ़ा था, हमने जब इनडेफिनेट पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि इनडेफिनेट को हम सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर के साथ ही यूज करते हैं, प्लूरल के साथ यूज नहीं करते हैं, ठीक है. ओके, तो ये पढ़ा. फिर हमने देखा कि हम आर्टिकल्स को यूज कहाँ कर सकते हैं, एडवर्ब्स के साथ यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव्स के साथ यूज कर सकते हैं और नाउन्स के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. तो अभी तक हमने 3 स्लाइड में सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन ही पढ़ी है, ठीक है, जिसको हम 2-3 बार आई गेस रिवाइज कर चुके हैं. एंड आई एम श्योर कुछ कुछ चीजें आपको अभी धीरे धीरे याद होनी शुरू हो गई होंगी, ठीक है, और कल की क्लास तक बिल्कुल ही याद हो जाएंगी, ठीक है. अभी आज हम लोग आगे शुरू जब करेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है. बहुत सिंपल रूल्स हैं, इनको आप अगर अटेंटिवली सुनोगे तो आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे, क्योंकि हम देखो कैसे साथ साथ रिवाइज करते हुए चल रहे हैं, ठीक है. तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि आर्टिकल्स को हम बेसिकली क्या करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल जो है, ठीक है, द, उसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, उसके रूल्स क्या है, ठीक है. तो अभी रूल नंबर वन शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये याद कराना चाहूंगी कि हमने कुछ वर्ड पढ़ा था एडजेक्टिव, ठीक है, एक वर्ड पढ़ा था एडजेक्टिव, ठीक है. एडजेक्टिव क्या पढ़ा था कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं. किसकी क्वालिटी बताएंगे, नाउन की, ठीक है. यही पढ़ा था, इतना सिंपल सा ही पढ़ा था अभी तक, ठीक है. सी आई गॉट दिस कॉमेंट की स्लाइड्स शेयर कर दूं. व्लादिमिर है कोई, उन्होंने कॉमेंट किया है, तो आई एम श्योर दिस इज नॉट योर रियल नेम, जूम आईडी के लिए शायद ये नाम रखा है इन्होंने, बट इट्स गुड, ठीक है. तो हाँ डेफिनेटली व्लादिमिर, व्हाट आई विल डू इज आई विल शेयर द पीपीटी, डोंट वरी. मैं सारे नोट्स मैंने पीपीटीज की फॉर्म में ही बनाए हैं, ठीक है, सो दैट आप लोग इसको इजिली रिवाइज कर सको. और ये पीपीटीज अभी आपको लग रहा होगा बहुत इजी है रिवाइज करना, बट एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इन पीपीटीज से आपको अपने खुद के नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है. शेयर तो डेफिनेटली मैं करूंगी ही करूंगी, ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इन पीपीटी से आपको अपने नोट्स कैसे बनाने हैं ताकि आप 15 to 20 मिनट्स में एक चैप्टर को रिवाइज कर सको एग्जाम से पहले, ठीक है. तो नोट्स मेकिंग पे भी हम बात करेंगे, बट नोट्स मेकिंग के लिए जरूरी है कि हम थोड़े से टॉपिक्स को स्टडी कर लें. जैसे आज हमने जितना भी आर्टिकल्स चैप्टर पढ़ा, कल मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप इस आर्टिकल चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, सो दैट 5 to 10 मिनट्स या ठीक 15 मिनट्स में आप पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज कर लो, ठीक है, विदाउट पुटिंग इन मच एफर्ट, ठीक है. तो डोंट वरी अबाउट नोट्स, राइट.
अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे बहुत सिंपल सा एक टॉपिक, हम लोग पढ़ रहे थे एडजेक्टिव, ठीक है? और हमने जितना पढ़ा था एडजेक्टिव में, हमने ये पढ़ा था कि एडजेक्टिव जो है ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या बताते हैं आपको, क्वालिटी ऑफ नाउन जो है वो बताते हैं, ठीक है? अभी रूल नंबर वन के लिए जरूरी है कि आपको एडजेक्टिव्स की क्या पता हूँ, वेरियस डिग्रीज पता हूँ, ठीक है? तो आप लोग बेसिकली क्या हो, कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं बेसिकली क्या करूंगी, इसको बहुत इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, ठीक है? अभी देखो, एडजेक्टिव्स जो है उसमें बेसिकली क्या होती है, दो तीन डिग्रीज होती हैं, ठीक है? एडजेक्टिव में थ्री टाइप की डिग्रीज होती हैं। नंबर वन इज पॉजिटिव, ठीक है? नंबर टू इज कंपैरेटिव, इसको बस ध्यान से सुनते जाना, एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन मैं करूंगी, एंड आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आपको ये आ जाएगा, ठीक है? कंपैरेटिव। और नंबर थ्री क्या होगा? सुपरलेटिव, ठीक है? तो एडजेक्टिव्स जो होते हैं, पहली बात तो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्वालिटी ऑफ नाउन बताते हैं, इनकी भी आगे क्या होती है, थ्री डिग्रीज होती हैं, ठीक है? थ्री डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ठीक है? अभी पॉजिटिव क्या होगी? पॉजिटिव होगी, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं अ ब्यूटिफुल गर्ल, ठीक है? तो दिस पर्टिकुलर वर्ड ब्यूटिफुल जो है, ये एक पॉजिटिव डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है? अ ब्यूटिफुल गर्ल। अगर मैं ऐसे कहूं कि मोर ब्यूटिफुल गर्ल, ठीक है? अभी जब आपको दो लोगों को कंपेयर करना है, फॉर एग्जाम्पल देर आर टू पीपल, ठीक है? देर आर टू पीपल, जब आपको ये कंपेयर करना है कि इन दोनों में से टॉल कौन है, तो आप क्या करोगे, टॉलर वर्ड यूज करोगे, हु इज टॉलर अमंग बोथ, ठीक है? टॉलर वर्ड यूज करोगे। तो कंपैरिजन को बेसिकली करने के लिए, दो लोगों में कंपैरिजन को करने के लिए हम ये कंपैरेटिव डिग्री को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दो सिस्टर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल देखो कि फॉर एग्जाम्पल देर आर टू सिस्टर्स, ठीक है? या दो फ्रेंड्स हैं फॉर एग्जाम्पल, और दोनों में से मोर इंटेलिजेंट कौन है, ठीक है? हु इज मोर इंटेलिजेंट अमंग बो। तो दो लोगों का जब आप कंपेयर करते हो, और फिर जब मोर लगा के आप एक डिग्री को यूज करते हो कंपेयर करते हुए, उसको हम कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बोलते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो हो जाएगी मोस्ट इंटेलिजेंट, कि सबसे इंटेलिजेंट कौन है, ठीक है? यहाँ पे जो है कंपैरेटिव में जो कंपैरिजन हो रहा है, दैट इज अमंग टू पीपल, ठीक है? कंपैरेटिव में जो कंपैरिजन है दैट इज अमंग टू पीपल। लेकिन सुपरलेटिव में बेसिकली क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल देर आर 100 पीपल लाइक दिस, ठीक है? अब उन 100 में सबसे इंटेलिजेंट कौन है, ठीक है? देर आर 100 पीपल लाइक दिस, और उन 100 में सबसे इंटेलिजेंट बेसिकली कौन है, उसकी बात, दैट इज सुपरलेटिव, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिग्री, मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है? तो ये जो है, इसको हम बेसिकली एडजेक्टिव को तीन डिग्रीज में डिवाइड करते हैं। कौन सी तीन तीन डिग्रीज आपको बताई मैंने? पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव क्या होती है कि नॉर्मल आपने क्या किया, किसी भी एक लड़की को बताया कि शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है? तो शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ये बेसिकली क्या हुआ, दिस इज अ पॉजिटिव डिग्री, ठीक है? अगर मैं कहूं शी इज मोर इंटेलिजेंट गर्ल, इससे आपको क्या पता चलेगा कि कंपेयर किया जा रहा है इस गर्ल को किसी और गर्ल के साथ। तो दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हो, मोर इंटेलिजेंट, मोर ब्यूटीफुल, टॉलर, ठीक है? जैसे ये वर्ड्स हैं टॉलर, फॉर एग्जाम्पल क्लेवर, एक होता है वर्ड क्लेवर, ठीक है? सॉरी, एक होता है वर्ड क्लेवर, एक होगा क्लेवरर। क्लेवर क्या होता है? चालाक। क्लेवरर क्या होगा? जो दो लोगों में सबसे ज्यादा चालाक है। और क्लेवरेस्ट क्या होगा? जो सबसे ज्यादा चालाक है, ठीक है? तो ये हो गया, ठीक है? तो ये जो डिग्री है क्लेवरर, यहाँ जहां पे दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, उसको हम कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, फॉर दो लोगों के बीच में नहीं, मल्टीपल लोगों के बीच में जब कंपैरिजन हो रहा है, उनमें से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट या क्लेवर कौन है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर। ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अभी जल्दी से चैट बॉक्स में एक थम्स अप दे दो अगर ये डिग्रीज जो है वो क्लियर है सबको।
Meanwhile, I'll just clear the board. For the people who are watching me live, please give a thumbs up if everything that I have taught you so far is clear to everyone. Okay, I've started getting these thumbs ups. I guess, let me see the chat box. Okay, not completely. Where is the confusion? There's someone who has replied. Okay, Vladimir is saying that not completely. Kya confusion hai, Vladimir? Just post the question. If there's any confusion, please post the question. कुछ भी confusion अगर है तो अपना question type करके post कीजिए. हमने अभी तक क्या पढ़ा? सी आई एम गोइंग वेरी स्लो, नॉट बॉदरिंग अबाउट टाइम, अबाउट एडजेक्टिव्स. ओके, सी देर इज सम कंफ्यूजन रिगार्डिंग एडजेक्टिव्स. व्हाट आई कैन डू इज क्विकली, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आज रूल्स स्टार्ट नहीं करते हैं, हम लोग एडजेक्टिव्स को एक बार फिर से क्लियर करते हैं. ठीक है, बट आई वुड नीड अ न्यू स्लाइड फॉर दैट. लेट मी जस्ट एड अ न्यू स्लाइड हियर इटसेल्फ. ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, व्हाट आई विल डू इज ओके, ये स्लाइड यूज करना है. ओके चलिए, एडजेक्टिव्स को एक बार फिर से देख लेते हैं. वैसे सबको क्लियर है, बट देन आई डोंट वांट क्लास से बिना क्लियर हुए कोई भी जाए. एडजेक्टिव्स क्या पढ़ा था, इतना सबको समझ में आया? ऐसे वर्ड्स जो क्वालिटी बताते हैं किसकी, नाउन की. ठीक है, एग्जाम्पल क्या पढ़ा, अ टॉल बॉय. बॉय क्या है, नाउन है. टॉल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव. क्यों एडजेक्टिव, क्योंकि ये किसकी क्वालिटी बता रहा है, इस पर्टिकुलर बॉय की क्वालिटी बता रहा है. ठीक है, इतना क्लियर. फिर पढ़ा कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं. ठीक है, 3 डिग्रीज, कौन कौन सी डिग्री. नंबर वन होती है पॉजिटिव. पॉजिटिव डिग्री है जब आप किसी की क्वालिटी बता रहे हो. फॉर एग्जाम्पल टॉल बॉय, तो किसी के बारे में एक पॉजिटिव चीज बताई ना, तो टॉल बॉय. अब नेगेटिव भी हो सकती है, बट उसको बोलते हैं ग्रामर में पॉजिटिव है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ ब्यूटिफुल गर्ल, अभी ये पॉजिटिव डिग्री है. फॉर एग्जाम्पल अ फेमस, अ फेमस, फॉर एग्जाम्पल अ फेमस पोएट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. ठीक है, अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. ठीक है, हो गया. अब ये जो वर्ड्स मैंने यहाँ पे यूज किए हैं, ये जो भी वर्ड्स मैंने यहाँ पे यूज किए, ब्यूटिफुल, टॉल, फेमस, डिफिकल्ट, ये सब जो है, दीज आर दी पॉजिटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. ठीक है, इनकी कोई फॉर्म नहीं है, ये सिर्फ आपको नाउन की एक क्वालिटी बताएंगे. ये जो नाउन है, इसकी क्वालिटी बता रहे हैं, कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे. तो सिंपल एक नाउन की क्वालिटी बताने वाले वर्ड को हम लोग पॉजिटिव डिग्री बोल रहे हैं. इतना आई होप क्लियर है सबको. ठीक है, उसके बाद सेकेंड डिग्री जो पढ़ी थी, वो हमने पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी, दैट वाज कंपैरेटिव. ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री मैंने आपको क्या बताई, कि दो लोग हैं. ठीक है, इन दोनों लोगों के बीच में जब आप क्वालिटी वाइज, एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है ना, क्वालिटी बताता है ना नाउन की, तो ये दो लोग हैं या ये दो नाउन्स हैं, इनकी क्वालिटी में जब कंपैरिजन किया जा रहा है, तो वहां के वहां पे हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कह दूं अ टॉल से, मैं अब यहां लिख दूं अ टॉलर बॉय. ठीक है, तो ये जो है कंपैरिजन आ जाएगा. ठीक है, दो लोगों के बीच में, कि दो बॉयज के बीच में, टॉल, ही इज टॉलर देन. फॉर एग्जाम्पल ही इज टॉलर देन मी. ठीक है, इस स्टेटमेंट में दो लोग हैं, ही एंड मी. अब इन दोनों के बीच में जब कंपैरिजन हो रहा है, तो कौन टॉलर है, ही इज टॉलर. तो ये जो टॉलर वर्ड है यहाँ पे, ये कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को बिलोंग करता है, एंड इट इज यूज टू कंपेयर द टॉलनेस ऑफ दीज टू पीपल, ही की एंड मी की. आई होप अभी शायद क्लियर हो रहा होगा. अभी अ ब्यूटिफुल गर्ल की अगर कंपैरेटिव डिग्री लिखनी होगी, तो मैं क्या लिखूंगी, अ मोर ब्यूटिफुल गर्ल. ठीक है, अभी क्या हो, यहाँ पे मोर ब्यूटिफुल जो है, दैट इज शोइंग द कंपैरिजन बिटवीन टू गर्ल्स. ठीक है, जैसे मैं लिखूं शी इज मोर
ब्यूटिफुल देन हर सिस्टर. अभी उसकी सिस्टर में और उसके बीच में अगर कंपैरिजन करें तो शी इज मोर ब्यूटिफुल. तो यहाँ पे आपको कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है. यहाँ पे टू पीपल आर इन्वॉल्व, कंपैरिजन बिटवीन द ब्यूटी ऑफ टू पीपल इज डन. तो यहाँ पे शी इज मोर ब्यूटिफुल देन हर, फॉर एग्जाम्पल शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर. ठीक है, तो जब दो लोगों में कंपैरिजन यूज कर रहे हो तो आप ये डिग्रीज यूज करोगे जिनको हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. अभी ये देखो, अ फेमस पोएट का क्या हो जाएगा, अ फेमस पोएट का क्या हो जाएगा, अ मोर फेमस पोएट. ठीक है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद जब आप उसको देखोगे, अ डिफिकल्ट क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अ मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन. ठीक है, तो जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, दो क्वेश्चंस के बीच में यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, या दो पोएट्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, या दो गर्ल्स के बीच में फॉर एग्जाम्पल कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, या दो बॉयज के बीच में कंपैरिजन हो रहा है टॉलनेस में, तो जहां जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होएगा तो आप क्या यूज करते हो, कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हो. स्टेटमेंट क्या होगी, ऐसी सी स्टेटमेंट होंगी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, ही इज टॉलर देन मी, ठीक है, शी इज मोर ब्यूटिफुल देन हर सिस्टर, या शी इज मोर इंटेलिजेंट देन मी. ठीक है, सो दीज वुड बी दी सम एग्जाम्पल्स दैट आर देयर. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. अभी जो थर्ड डिग्री है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो वन ऑफ द रूल्स में आप अभी यूज करोगे जब हम डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द का क्या पढ़ेंगे, यूज पढ़ेंगे. ठीक है, तो उसको पढ़ना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, अभी जो थर्ड डिग्री हम पढ़ने वाले हैं दैट इज विच डिग्री, जो हम पढ़ के भी आए अभी, सुपरलेटिव डिग्री. ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री बेसिकली क्या होती है, देखो सुपरलेटिव डिग्री जो है, व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री, इसको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. देखो सुपरलेटिव डिग्री ये है, यहाँ पे दो लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे थे तो कंपैरेटिव बोल रहे थे. अब सपोज 100 पीपल हैं, इन 100 लोगों में आपको कंपैरिजन करना है और उस कंपैरिजन में भी आपको देखना है बेस्ट कौन है, तो आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हो. फॉर एग्जाम्पल ब्यूटिफुल गर्ल का, द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल, मतलब 100 गर्ल्स में से द मोस्ट ब्यूटिफुल कौन है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट फेमस पोएट, फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को इसको स्टेटमेंट में देना हो तो मैं क्या एग्जाम्पल दूंगी, फॉर एग्जाम्पल ही इज टॉलेस्ट बॉय इन क्लास. तो यहाँ टॉलेस्ट बॉय से आपको क्या पता चल रहा है कि पूरी क्लास में जो भी बच्चे हैं, अभी क्लास में 10 बच्चे भी हो सकते हैं, 100 बच्चे भी हो सकते हैं, 1000 बच्चे भी हो सकते हैं, या 1 लाख बच्चे भी हो सकते हैं, तो पूरी क्लास में जितने भी बॉयज हैं उन सबसे टॉल कौन है, ही है. ठीक है, तो ही इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास. सुपरलेटिव डिग्री होती है कि जब बहुत बड़ा ग्रुप है, या 10 लोगों का, या 100 लोगों का, या 1000 लोगों का, उनमें जब आप कंपैरिजन करते हो तो कंपैरिजन करके जो सबसे टॉल है या सबसे ब्यूटीफुल है या सबसे इंटेलिजेंट है उसको आपको रिप्रेजेंट करना है, तो उस केस में आप क्या यूज करते हो, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज करते हो. ठीक है, आई होप अब ये सबको क्या होगा, क्लियर होगा. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ. अभी क्लियर है सबको, प्लीज गिव अ थम्स अप. किसी को कोई कंफ्यूजन ऑफ एडजेक्टिव में, प्लीज म्यूट द क्लास, सॉरी प्लीज म्यूट योर माइक. ठीक है, तो ये जो था ये एडजेक्टिव्स थे. ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया. अभी उसके बाद डोंट थिंक कि सिर्फ इतना ही हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे, डेफिनेटली एक सेपरेट क्लास में लूंगी एडजेक्टिव्स पे, बट अभी के लिए जैसे हमने ये चैप्टर शुरू किया है आर्टिकल्स, इसको ही करेंगे. ठीक है, ओके, सो आई हैव स्टार्टेड गेटिंग द थम्स अप. आई गेस सबको अभी सब क्लियर है, कुछ डाउट नहीं है. तो आज के लिए सिर्फ एक ही रूल पढ़ेंगे, बिकॉज आई गेस 5 मिनट्स आर लेफ्ट इन द क्लास. तो एक रूल जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल का, कि हम ये जो आर्टिकल है डेफिनेट आर्टिकल द, इसको कहाँ कहाँ यूज करेंगे. ठीक है, यूजेस कहाँ कहाँ होंगे इसके, रूल्स कहाँ कहाँ हैं. तो मैंने एक्सप्लिसिटली इन रूल्स में मेंशन ही किया हुआ है कि आपको कहाँ कहाँ इनको यूज करना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूज द इफ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज यूज. अभी आपको पता है एडजेक्टिव क्या, अभी आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या. ठीक
ठीक है, तो जहां भी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी आपने वहां पे द को यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ ऑल इन अमंग ऑल इन द क्लास, या फिर ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास. अभी क्लास में सबसे टॉलेस्ट कौन है, वही है. तो यहाँ पे जो टॉलेस्ट है दैट इज सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. टॉल जो है, टॉल बॉय, टॉल जो है वो एडजेक्टिव तो है, पर अगर मैं कह दूं टॉलेस्ट बॉय तो टॉलेस्ट जो है दैट इज सुपरलेटिव डिग्री. फॉर एग्जाम्पल, शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन द फैमिली. अभी द कहाँ यूज हुआ, इस मोस्ट ब्यूटिफुल से जस्ट पहले. क्यों यूज हुआ, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है. ठीक है, तो द को आप कहाँ यूज करोगे, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से जस्ट पहले यूज करोगे, जैसे कि इन एग्जाम्पल्स में यूज किया गया है. तो पहला रूल तो बहुत सिंपल है, देखो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले आपको क्या यूज करना है, द यूज. ठीक है, रूल नंबर टू जो है दैट इज ऑफ द टू का रूल. अभी ऑफ द टू का रूल क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सिंपल है, इसको बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे. इफ ऑफ द टू इज मेंशन्ड बिफोर प्लूरल नाउन एंड कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज यूज, देन यूज द. मतलब कि जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, यानी कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव यूज हुई है, और स्टेटमेंट को पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि कंपैरिजन चल रहा है और हम कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं. ठीक है, और ऑफ द टू जो है उससे जस्ट पहले क्या यूज किया गया, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज किया गया. तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, द. अभी कंफ्यूजन लग रहा होगा, बट एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से आपको बेटर समझ आएगा. ऑफ द टू, अभी यहाँ पे क्या गिवन है, ही इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज, तो यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया, ऑफ द टू. ठीक है, ऑफ द टू से पहले कौन सी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव डिग्री. क्या पता चल रहा है कि दो बॉयज के बीच में कंपैरिजन है. ठीक है, तो ये जो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है इससे जस्ट पहले भी आपको क्या यूज करना है, द यूज करना. ठीक है, ही इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज. ठीक है, तो ऑफ द टू से पहले कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, और उससे पहले कौन सा आर्टिकल, द यूज करेंगे. ठीक है, तो कभी भी अगर आपको ऐसी स्टेटमेंट दी गई है पेपर में और वहां पे ऐसे ब्लैंक दिया गया है और पूछा गया है कि आप कौन सा आर्टिकल यूज करोगे, तो आपको ये देखना है कि स्टेटमेंट में ऑफ द टू से पहले क्या होना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होनी चाहिए. तो आप बिना सोचे समझे क्या यूज करोगे, द यूज करोगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ही इज द टॉलेस्ट ऑफ द फाइव बॉयज. अभी फाइव बॉयज जो है, फाइव में जो सबसे टॉलेस्ट है, ठीक है, वहां पे आप क्या यूज करोगे, द यूज करोगे. शी इज मोर ब्यूटिफुल ऑफ द टू सिस्टर्स, दोनों सिस्टर्स में से मोर ब्यूटिफुल कौन है, शी है. ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एडजेक्टिव से पहले आप क्या यूज करोगे, द यूज करोगे. ठीक है, तो ऑफ द टू के रूल में बहुत सिंपल सा आपको समझना है कि ऑफ द टू से पहले अगर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव के साथ तो हम कर ही रहे हैं, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, मोस्ट ब्यूटीफुल, टॉलेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज, टॉलेस्ट इज सुपरलेटिव ना. ठीक है, तो कंपैरेटिव जो है, कंपैरेटिव से के साथ भी आपको क्या यूज करना है, द यूज करना है. कब यूज करोगे कंपैरेटिव के साथ द, जब ऑफ द टू जो है उसके इमिडिएटली बाद में क्या हुआ है, यूज हुआ है. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन. आज के लिए हम दो ही रूल्स पढ़ेंगे. किसी का माइक शायद अनम्यूट रह गया है, प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिए. ठीक है, तो आज के लिए हम लोग ये दो रूल्स ही पढ़ेंगे. कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आगे परस्यू करेंगे. ठीक है, तो आज के लिए आई गेस इतना काफी है. आप लोगों को क्लास कैसी लगी, डू शेयर द फीडबैक. ठीक है, इसी चैप्टर को कल की क्लास में परस्यू करेंगे. ठीक है, मीन वाइल आई एम जस्ट वाइंडिंग अप द क्लास. इट वॉज सो नाइस टू मीट यू ऑल टूडे, एंड इट वॉज सो नाइस टू टीच यू ऑल टूडे. आई एंजॉयड द सेशन, आई होप यू ऑल्सो एंजॉयड द सेशन, और सब कुछ समझ में आया भी होगा आप लोगों को. ठीक है, जाने से पहले जस्ट गिव अ थम्स अप अगर सब कुछ क्लियर है, क्लास अच्छी लगी तो, एंड प्लीज पोस्ट योर फीडबैक इन द ग्रुप, मे बी इन द व्हाट्सएप ग्रुप, या कुछ भी कहीं पे भी आप मुझे पर्सनली भी व्हाट्सएप कर सकते हैं. चलिए, ओके, आई हैव स्टार्टेड गेटिंग द कमेंट्स. थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग एंड पार्टिसिपेटिंग. आपके कमेंट्स आर क्वाइट एनकरेजिंग, है ना. तो थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर योर फीडबैक इन द ग्रुप, और मे बी इन द फीडबैक फॉर्म जो भी आपको दिया जाएगा. ठीक है, आई विल सी यू इन टुमारोज क्लास, सेम टाइम 7:30. अगर कुछ टाइमिंग्स चेंज होंगे तो
तो डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, पर अभी तक के लिए 7:30 है, तो 7:30 मिलते हैं क्लास में कल. ओके, आई विल सी यू ऑल टुमारो. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. थैंक यू.